योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि 80% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जो बची हुई हैं उसे भी गड्ढा मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानसून 12 के बाद आता है, तब तक कार्य कर लिया जाएगा, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। गुरुवार को किसान मेला की शिरकत करने उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहराइच पहुँचे। यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने किसान द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया और किसान संबंधी जानकारियाँ किसानों को दी। मीडिया से रूबरू होते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अपराध होते थे, 5 साल तक अपराधी पकड़े जाते नहीं थे। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी अपराध हुए सभी के सभी अपराधी पकड़े गए हैं और जेल के अंदर हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे प्रदेश को गुंडा माफिया या चारागाह बना दिया था, गुंडा राज बन गया था। एकाएक कोई बटन दबाकर नियंत्रित नहीं कर लेंगे। नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, पहल किया जा रहा है और जिसके चलते पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया व अपराधी बौखलाए हैं। बौखलाए अपराधी कानून को अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी कर रहे हैं। जो भी अपराधी कानून को अपने हाथों में लिया है वो सलाखों के पीछे है। समाजवादी पार्टी गुंडे माफियों की प्राय रही है, उसका संरक्षण देने का काम है, हम उससे भी घबराने वाले नहीं हैं। सारी की सारी विरोधी पार्टी उत्तर प्रदेश को चाहे जितना भी अस्त व्यस्त करना चाहें, लेकिन उसके बावजूद हम उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर ले आएंगे। इस दौरान मंच पर बहला विधायक अक्षरवल लाल गौड़, महवी विधायक सुरेंद्र सिंह, प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी समेत अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर की घटना ने तो इस बात को साबित ही कर दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने वहां पर पूरे सहारनपुर को सांप्रदायिक और जातीय हिंसे की आग में झोंकने की कोशिश की है। उनके काले कारनामे का खुलासा भी हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से जब एक जिले में इनका चेहरा उजागर हो गया है तो अन्य जिलों में भी कहीं ना कहीं इनका हाथ हो सकता है। लेकिन ये हमारी जवाबदेही है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित करेंगे। कोई भी गुंडा माफिया अपराधी रक्त तत्व तो यदि आ आएगा तो जल्द उप मुख्यमंत्री के दावे हवा हवाई हो गए हैं। 15 जून आज हो गया, जबकि अभी भी जिले ही नहीं बल्कि यूपी के तमाम सड़कें जो है वो गड्ढा युक्त हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आपको पूरे प्रदेश में अगर घूमने को मौका मिले तो आप देखेंगे 80% सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है और जो शेष बची है 15-20% वो भी 7% के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। जो हमारा वादा है हम उसको समय से पूरा करने जा रहे हैं। अगर 80% हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं तो इसका मतलब है हम समय पर। केशव मौर्य जी कह रहा था कि 100% सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, जबकि PWD का ये कहना है कि अभी तक हमको धन आवंटित पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए अभी अगले 3 महीने तक जो सड़कें हैं वो गड्ढा युक्त ही रहेंगी, गड्ढा मुक्त नहीं हो सकेंगी, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 80% अब तक गड्ढा मुक्त करा दिया तो 75 के ऊपर तो अपने आप 100% हो जाता है। जो 10-5 बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। हफ्ते अभी समय है, अभी 22 जून के पहले वो तो पता नहीं है और कभी कभी 22 जून के बाद भी आता है, मानसून आता है, तो ऐसी हालात में हमारे पास पर्याप्त समय है, हम प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश क्राइम मंत्री है, जिले में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा है, इस पे आप क्या करेंगे? आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेश में बोला और चाहे बहराइच भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो जहां भी अपराध घटित होंगे अपराधी जेल की शराखों में जाएगा, पानी में डूबने के बाद भी नहीं बचेगा, कानून अपना काम करेगा, कानून की हनक रहेगी, कानून के जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो कानून के हत्थे चढ़ेगा। समाजवादी पार्टी तो गुंडे माफिया अपराधियों की पर्याय रही है, इसे उसका संरक्षण देना तो काम है, हम इससे भी घबराने वाले नहीं है। सारी की सारी विरोधी पार्टियां उत्तर प्रदेश को कितना भी अस्त व्यस्त करना क्यों ना चाहें, लेकिन उसके बावजूद हम उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर ले जाएंगे, कानून राज स्थापित करेंगे, गुंडे माफिया अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजेंगे और साथ ही साथ यहां अमन चैन कायम करके विकास का रास्ता प्रशस्त।
नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट।